सो मच मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शैलेंद्र है और आज जो मैं यहाँ पे रिसाइट करने जा रहा हूँ, आर यू गाइस गेटिंग माई वॉइस? जो भी मैं रिसाइट करने जा रहा हूँ ये एक स्टोरी है। मैं बनारस में पहली बार आया हूँ और इसके पहले मैं बॉम्बे और दिल्ली में रहा हूँ। तो ये स्टोरी है एक यंग लड़की की जो आज दिल्ली और बॉम्बे में कैसे घर गृहस्थी और अपने काम को देखते हुए कैसे जी रहे हैं। अपने घर की बेटी इस पोइट्री का नाम है। एक जिंदगी में दो परिवार का हिस्सा वो होती है, माता पिता भाई के साथ जब वो छोटी है, सास ससुर और पति के साथ जब वो बड़ी होती है। कोई और नहीं, मैं जिसकी बात कर रहा वो अपने घर की बेटी है। मेज पर सबको खाना खाते देख कुछ और लोगे अक्सर पूछने आ जाती है। सबके खाना खाने के बाद अपनी माँ के साथ बैठ के वो खाती है। क्या मजाल आक्रोश में कोई जा पहुंचे पिता के पास, तब एक ग्लास पानी लेकर वो जाके पिता को शांत कराती है। आज तो भाई का भी मन कुछ है उदास, क्या करे, हंसते हुए चेहरे के पीछे की नई समस्याओं को माँ भी नहीं समझ पाती है। क्या हुआ भाई, पूछने को तब बहन आती है। आइए बात करते हैं कुछ उसके निजी जीवन की। यहाँ एक मुस्कुराता चेहरा जिसको देखा है मैंने लेते सिसकियां। आइए अब बात करते हैं कुछ उसके निजी जीवन की। यहाँ एक मुस्कुराता चेहरा जिसको देखा है मैंने लेते सिसकियां। जिसके कमरे के कोने में पड़े हैं सिगरेट के फिल्टर और माचिस की तीलियां, पकड़े जाने से डरती है वो, इसलिए मानो अपनी यार की तस्वीर को उसने अपने सीने से ही ऐसे लिया। चार लोग के बीच में उसका यार उसका हाथ थाम ले, सिर्फ इतने में ही उसकी खुशी होती है। फर्श पर वो सोती है क्योंकि बिस्तर पे पगली सिर्फ रोती है। चार लोग के बीच में उसका यार उसका हाथ थाम ले, सिर्फ इतने में ही उसकी खुशी होती है। फर्श पर वो सोती है क्योंकि पगली बिस्तर पे सिर्फ रोती है। घर में जगह जगह सरदर्द से उसके टूटे बाल पड़े होते हैं। वो बैठती है अपनी यार की यादों में तो सम्मान में उसके रोए खड़े होते हैं। वो बैठती है अपनी यार की यादों में तो सम्मान में उसके रोए खड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब मैंने कैसे पढ़ लिया। बहते हुए काजल तो पोछ आई थी वो, पर एक तीखी काली लकीर आंखों के पास पोछना था छूट गया। मैं सच बता रहा हूँ हम सब मर्द कमाते हैं इज्जत यहाँ पे, पर उसको इज्जत खुदा ने तोहफे में है दिया। एक दिन में मानो उसके पास 48 घंटे होते हैं। दफ्तर का काम करके वो घर गृहस्थी का भी काम करती है। एक दिन में मानो उसके पास 48 घंटे होते हैं। दफ्तर का काम करके 9:30 बजे आके वो घर गृहस्थी का भी काम करती है। न जाने कैसे प्यार और श्रृंगार को साथ में नथी करके रखती है। सुना था मैंने नारी है वो, बांध के रखती है तो तोड़ भी सकती है। वो एक अलग ही देवी है, उसकी अलग ही प्रार्थना अलग ही भक्ति है। ये सब तो वो है जो मैंने है पढ़ लिया, इसके अलावा न जाने अंदर क्या कुछ वो समेटी है। कोई और नहीं, मैंने जिसकी बात किया वो अपने घर की बेटी है। थैंक यू सो मच।